एक दो साल में ये हमारी जरई माशी जो इकॉनमी है ये रिवाइव हो जाएगी। जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसके लिए खलीजी ममालिक से वो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार है। 4-5 साल में इस मैदान में इंशाल्लाह 30-40 अरब $50 अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। ज़राई इनकलाब के लिए कौमी क़यादत एक पेश पर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सूबाई वज़रा आला कौमी फूड सिक्योरिटी सेमिनार में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में 1960 के बाद दूसरा सब्ज इनकलाब आ रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम से ज़राई मईशत 1 से 2 साल में बहाल हो जाएगी। 4 से 5 साल में 30 से 40 अरब डॉलर सरमायाकारी आने की तवक्को है। 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। फूड सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि कई खलीजी मुल्क पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़े लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आवाम को नहीं पता कि दोस्त मुल्कों से कैसे मिन्नतें तरले करके कर्ज लिया है। किसानों को हर कीमत पर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसके साथ मिलकर किसानों की भरपूर मदद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मौशी तरक्की के हुकूमती इकदाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, यकीन रखें पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में पाकिस्तानी कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। कौमी सेमिनार से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, आज यहाँ सब पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हम बासलाहियत कौम हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सब मिलकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा पाक फौज के हर मुमकिन तआवुन का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। IMF से $3 अरब मिलने के वादे के बाद ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरन करेंसी रेटिंग बेहतर करके CCC कर दी। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करना मुआशी बहाली के हालिया सफर की जानिब से एक और मुस्बत खबर है। मुआशी तजियाकार खुरम शहजाद का कहना है कि रेटिंग बेहतर होने का मतलब ये है कि मईशत अब इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। आलमी रेटिंग बेहतर होने से मुल्की दरामदात खुलना आसान हो जाएगी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस से वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को बरी कर दिया। शरीक मुलजमान भी बरी। झूठा मुकदमा बनाने पर साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और उस वक्त के DGFIA के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि JIT मेम्बरान के पास सुलेमान शहबाज के खिलाफ ना कोई सबूत था और ना ही दौरान समाअत पूछे गए किसी सवाल का जवाब दिया गया। JIT मेम्बरान से जबरदस्ती रिपोर्ट पर दस्तखत करवाए गए। उनके पास सुलेमान शहबाज और शरीक मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। शहजाद अकबर JIT पर सुलेमान शहबाज को इस केस में फंसाने के लिए दबाव डालते रहे। सारे केस में FIA अफसरान का किरदार भेड़ के भेस में भेड़िए का रहा। अदालत का मुतालिका तफ्तीशी अफसर, डेप्टी डायरेक्टर्स और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि ऐसी कार्रवाई से ऑफिसर्स झूठे केसेस बनाने से बाज रहेंगे और सबक सीखेंगे। समाअत के बाद सुलेमान शहबाज ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस 7 साल तक चलता रहा। शुक्र है कि हकायक अवाम के सामने आ गए। नैब लाहौर का साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की गिरफ्तारी का फैसला। चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। नैब जराए के मुताबिक सरदार उस्मान बुजदार और उनके खानदान पर 9 अरब रुपए से जायद असासे बनाने का केस जेर तफ्तीश है। नए ऑर्डिनेंस के तहत सरदार उस्मान बुजदार को दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार किया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वजीर आला के इंतखाब से पहले कायदे हिजब इख्तलाफ अपनी नशिस्त से ही मुस्ताफी हो गए। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे थे, इसलिए असम्बली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर असम्बली ने भी इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। इस्तीफे से पहले अमजद हुसैन ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। इससे पहले पीपल्स पार्टी वजीर आला के इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर चुकी है। जाली डिग्री की बुनियाद पर PTI की खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद नए वजीर आला का इंतखाब बुध को होगा।
तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की पार्लिमानी पार्टी तीन ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। राजा आजम, जावेद मनवा और गुलबर खान तीनों नया वजीर आला बनने के लिए कोशां। जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमानतें दी हैं, इसी तरह मुझे भी जमानत दी जाए। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की मायने खेज दुहाई पर कमरा अदालत में कहकहे। परवेज इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट को बताया कि डेढ़ महीने से जेल में है। जज ने पूछा वहाँ क्या मसाइल हैं, तो जवाब दिया कि वहाँ मसाइल के सिवा कुछ भी नहीं, हर तरफ कीड़े हैं, कमरे में ही वॉशरूम है। जज ने पूछा आपके पास एयर कंडीशन है? परवेज इलाही ने जवाब दिया एयर कंडीशन तो क्या, इनके कमरे से पंखा भी निकाल कर ले गए हैं। सरकारी वकील ने कहा कि कानून के तहत सारी सहूलियात दी गई हैं, तो परवेज इलाही ने जवाब दिया सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए चीज़ें लाते हैं और वापस ले जाते हैं, ये मेरे साथ एक दिन जेल में रहकर तो दिखाएं, मेरे पाँव फूल गए हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दें। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात को आज तलब कर लिया। चौधरी शुजात की एक हफ्ते पहले जेल में हुई परवेज इलाही से तीसरी मुलाकात की कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात ने एक बार फिर परवेज इलाही को PTI छोड़ने का मशवरा दिया। परवेज इलाही ने कहा मोनिस इलाही ने उन्हें कहां फंसा दिया। मुलाकात के दौरान मोनिस इलाही से फ़ोन पर लंदन रबते की कोशिश की गई, मोनिस इलाही ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में मोनिस इलाही का पैगाम आया कि अपने मौकफ पर कायम रहें। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही PTI छोड़ने को तैयार हैं, मोनिस इलाही नहीं मान रहे। बिजली 1 रुपए 24 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और माह सितंबर के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। सार्फिन पर 46 अरब 53 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने गुज़िश्ता हफ्ते बिजली की कीमतों में इस इजाफे की मंजूरी दी थी। मुस्लिम लीग नून वाजे है कि वक्त पर असम्बली तहलील और इलेक्शन होना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानजादा के साथ में बातचीत। चेयरमैन PTI अपने हामियों को खुद कहते रहे कि उनकी गिरफ्तारी रेड लाइन होगी, फिर आवाम निकलेंगे। 9 मई को वही लोग निकले जिनकी जहन साजी हो चुकी थी, आवाम उस वक्त नहीं निकले। उन्होंने कहा कि दुबई में तो हुआ ही कुछ नहीं, जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मामूल की एक मुलाकात हुई है, ये मुलाकात पहले से तयशुदा भी नहीं थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नून लीग से नाराज सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम हाउस बुलवा लिया। फजलुर रहमान ने दुबई मुलाकातों पर एतमाद में ना लेने पर कल शिकवा किया था। वजीर आजम ने दुबई मुलाकातों पर सरबरा PDM के खदशात दूर किए। मौलाना फजलुर रहमान ने कल सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा था कि नून लीग PDM का हिस्सा है, दुबई मुलाकातों से पहले इनसे मशवरा तक नहीं किया गया। एक तरफ हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी मौलाना से नाराज हो गई। पार्टी के सूबाई सदर का खड़ाक कहा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, हलवा नहीं कि हर कोई खा जाए, हम हुकूमतों के भूखे और भिखारी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मजहब के नाम पर जो मनोसलवा जारी है अभी उसका जिक्र भी नहीं किया। मेरी अजीम गलती है कि गवर्नरी के ओहदे के लिए गुलाम अली की हिमायत की, वो अपनी पार्टी के लिए बायस शर्म बन चुके हैं। एमल वली ने कहा कि अगले इलेक्शन के लिए ANP के ज्यादातर उम्मीदवार नामजद किए जा चुके हैं। भारत की जानब से दरियाए रावी में छोड़े जाने वाला 70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरदी गांव जलाला में दाखिल। फसलें जेरे आब, सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। धान की काश्त में मसरूफ अफराद फंस गए, तकरीबन 300 मर्दों खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक का रेला छोड़ा था। सैलाबी रेला 40 घंटों में शाहदरा लाहौर पहुंचेगा। दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 51,000 क्यूसिक हो गया। नालाबई में शकरगढ़ के करीब निचले दर्जे के सैलाबी रेले का बहाव 2,154 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी, नालाबई और दीगर मुआवन नदी नालों में तोगयानी। दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी और दरिया चनाब से मोहलिका अजला में इंतजामिया अलर्ट है। सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए।
PDMA का कहना है कि रावी और दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। तमाम दरियाओं, बैराजों, डैमों और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। भारत ने दरियाए सतलज में भी पानी छोड़ दिया। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए के मुताबिक भारत ने हरीके के मुकाम से 70,614 क्यूसेक पानी दरियाए सतलज में छोड़ा है। आज रात तक पानी जिला कसूर गंडा सिंह के मुकाम से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तमाम जिला रिलीफ कैंप्स बनाएं, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जाएं, शहरी दरियाओं और नहरों के करीब जाने से गुरेज करें। कराची में हेल्थ कार्ड का इजरा कर रहे हैं, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बच्चों के दूध के लिए भी कार्ड लेकर आ रहे हैं। ये दावा भी किया कि गवर्नर हाउस में मुफ्त आईटी कोर्स के लिए 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। मजमू तौर पर 10 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें आई थी। 1 लाख नौजवानों को आईटी कोर्सेज करवाएंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के कौमी सेमिनार्स में बरतानिया, इटली, स्पेन, चीन, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक के गैर मुल्की मौजूदीन और मुमकिना सरमायाकारों और माहिरीन की शिरकत। वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब, सूबाई हुकूमतों के चीफ सेक्रेटरीज, ज़राई माहिरीन और तमाम सूबों से किसान शरीक हुए। ज़राई माहिरीन और काश्तकारों ने हुकूमत के तारीखी इकदाम और पाक फौज के ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी इनकलाब लाने पर खुसूसी तवज्जो को सराहा। शुरका ने कहा कि ये सेमिनार मुल्क में ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे की तरक्की के लिए तरफ मुस्बत इकदाम है। शुरका ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए पाक फौज की खुसूसी तवज्जो को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत और लाइव स्टॉक की नुमाइश का भी दौरा किया। इंतखाबात कब होंगे? कौमी असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाए, फिर 60 दिन के दौरान उन्होंने डेट देनी है, या फिर अगर उससे चंद दिन पहले या कुछ देर पहले अगर प्राइम मिनिस्टर तहलील कर देते हैं असेंबली को, तो फिर 90 दिन अवेलेबल। इन एनी केस इलेक्शन 10 नवंबर 2023 से आगे नहीं जा सकता। तो इन एनी केस आम इंतखाबात इसी साल हर सूरत 10 नवंबर से पहले हो जाएंगे। नून लीग के रहनुमा वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। प्रोग्राम में शरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अमान ने इंकशाफ किया कि सरदार उस्मान बुज़दार ने भी पार्टी में शमूलियत के लिए बारहा राबता किया, लेकिन यह फैसला किया गया है कि उन्हें पार्टी में कबूल नहीं किया जाएगा। एहतसाब से इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं, बिलखसूस जब फ्रॉड की बात हो। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हर अमल की तफसीलात को देखना अदालत का दायरा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इंतखाबात के इनेकाद के साथ करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना भी आईनी फरीजा है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना के इस काबिले समाअत होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि स्पीकर ने रेफरेंस भेजा सेक्शन 167 के तहत चेयरमैन पीटीआई की करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में झूठी स्टेटमेंट जमा करवाई। शिकायत के लिए वक्त की कोई हद नहीं, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। जमान पार्क में पुलिस पर हमलों का केस, लाहौर हाईकोर्ट ने मुकदमात में जेआईटी की तश्कील के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हुकूमत की तश्कील करदा जेआईटी कानून के मुताबिक करार। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार इनफरादी तौर पर ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकता है। जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। 3 रुकनी बेंच की जानिब से 28 सफात पर मुश्तमिल मुत्तफिका फैसला जारी। अस्करी टावर पर हमले समेत 4 मुकदमात में तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार हनुमा यास्मीन राशिद के अदालती रिमांड में 14 दिन की तौसी। जिना हाउस हमला केस में उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी भी मजीद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिए गए। GHQ हमला केस में शहरियार खान आफरीदी की दरख्वास्त जमानत खारिज। मुल्क से बाहर बैठा फसादी टोला इदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है। उस टोले ने लजबेला हेलीकॉप्टर के शोदा के खिलाफ मुहिम जोई की। आर्मी चीफ, अहम शख्सियात के खिलाफ खतरनाक सोशल मीडिया मुहिमात चलाईं। ये तमाम लोग साबिक वजीर आजम की प्रॉक्सीज हैं। FIA के पास तमाम सबूत मौजूद हैं, कार्रवाई हो रही है।
वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया, कहा ऐसी हरकतों से अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उसका जिम्मेदार यही शख्स होगा। जहलम में 3 मंजिला होटल गिरने के बाद पुलिस माहिरीन और फॉरेंसिक टीम का हादसे के जगह का दौरा। होटल मालिक और गैस रिफिलिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जान बहक होने वाले 7 अफराद में से 3 की तदफीन जहलम के आबाई इलाकों में कर दी गई। 3 अफराद की मैयतें घरों के लिए रवाना। गुज़िश्ता रोज सिलेंडर धमाके के बाद इमारत मलबे का ढेर बन गई थी। वाकये में 7 अफराद जान बहक और 12 अफराद जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी ने कराची की 105 जूसीज और जमात इस्लामी ने 86 जीती हैं। बताया जाए कि पीपल्स पार्टी ने कैसे मैंडेट पर डाका डाल दिया। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का सवाल। नासिर शाह ने कहा 9 मई की वजह से पीटीआई के अपने यूसी चेयरमैन छोड़ गए तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में गुज़िश्ता रात फायरिंग से शहरी की हलाकत के वाके की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुलजिम पैदल स्टोर के पास आया, दुकान में मौजूद बच्चों के सामने उनके बाप को कत्ल किया और फरार हो गया। वाकये के बाद शहरियों ने दुकान से एक जख्मी बच्चे को भी निकाला। लाहौर और क्वेटा में चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा। 1 किलो चीनी 140 रुपए की हो गई। क्वेटा के नवाही इलाकों में चीनी और भी महंगी 145 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 15 रुपए इजाफे से 135 रुपए फी किलो हो गई। कराची में भी चीनी की कीमत में 3 रुपए फी किलो का इजाफा। मानसून बारिशों का आगाज होते ही पाकिस्तान भर में हैजे के केसेस बढ़ने लगे। हैजे से सबसे ज्यादा मुतासर शहर कराची है। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक हैजे के 55 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 2 महीने में कम से कम 4 हलाकतें रिकॉर्ड हुई। माहिरीन के मुताबिक कराची में सीवरेज मिला पानी हैजे के फैलाव का सबसे बड़ा सबब है। वफाकी हुकाम के मुताबिक मुल्क में अब तक लेबॉरेटरी से तस्दीक शुदा हैजे के 75 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। इस साल हैजे से अब तक 43 अफराद जान बहक हो चुके हैं। गंधारा तहजीब और बुद्धमत के विरसे पर सिंपोजियम में शिरकत के लिए बुद्धमत के राहिब इस्लामाबाद पहुंच गए। सकाफती सिफारतकारी के उनवान से 3 रोजा सिंपोजियम आज से इस्लामाबाद में मुनाकिद किया जाएगा। वजीर आजम की टास्क फोर्स बराए गंधारा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि श्रीलंका और इंडोनेशिया को कहा है कि आलमी इदारों के साथ टैक्सिला आकर तारीख को देखें। गंधारा तहजीब और सकाफत को उजागर करने वालों को अवार्ड दिए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में इलाकाई मौसीकी को फरोग दिया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के 3रे रोज तख्त भाई का दौरा किया जाएगा। मिशन को पेशावर भी ले जाया जाएगा। चाहते हैं मुल्क में सियाहत को फरोग मिले। पाकिस्तानी निजात बरतानवी सहाफी साइमा मोहसिन ने अपनी बरतरफी पर CNN के खिलाफ दावा दायर कर दिया। साइमा मोहसिन का एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में दायर मुकदमे में CNN पर नस्ली इम्तियाज बरतने का भी इल्जाम। साइमा मोहसिन का मौकफ है कि वो 2014 में इसराइल में रिपोर्टिंग के दौरान जख्मी होकर माजूर हो गई थी। माजूरी के बाद CNN से बतौर प्रेजेंटर काम मांगा तो CNN ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो वैसी नहीं दिखती जैसे CNN देखना चाहता है। साइमा मोहसिन के मुताबिक CNN ने उन्हें नस्ल और माजूरी की बुनियाद पर इम्तियाज का निशाना बनाया। लंदन का एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल साइमा मोहसिन के दावे की समाअत आज करेगा। CNN इंतजामिया का साइमा मोहसिन के इल्जाम पर तबसरे से गुरेज करते हुए ये कहना है कि चैनल एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में दिफा करेगा। गाड़ी को छोड़ा, साइकिल से रिश्ता जोड़ा, कैंसर को शिकस्त दी, समाजी रवैयों को तोड़ा। लाहौर के MAO कॉलेज की प्रिंसिपल ने हिम्मत और बुलंद हौसले की नई मिसाल कायम कर दी। 2018 से MAO कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आलिया रहमान रोजाना 13 किलोमीटर का सफर साइकिल से कर रही हैं। साइकिल को कैंसर से सेहतयाबी और फिटनेस का राज भी करार दिया। पैगाम दिया कि आलूदगी खत्म करना है या फिर बीमारियों से छुटकारा पाना है तो साइकिल चलाएं।
सोशल मीडिया पर फैली ये बात जियो फैक्ट चेक से गलत साबित हुई कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी के 50 से ज्यादा सीनियर अहलकारों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तानी फौज के सीनियर अहलकारों पर सफरी पाबंदी की गलत खबर ट्विटर के तस्दीक शुदा अकाउंट से 5 जून को जारी की गई, जिसे 71,000 बार देखा और 4,000 बार रीट्वीट किया गया। यही झूठी खबर 5 जून को ही एक फेसबुक अकाउंट से भी शेयर की गई। जियो फैक्ट चेक ने इस खबर पर ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन से भी राब्ता किया, जिसने वाजे किया कि ये रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई। नाजरीन किसी खबर की दुरुस्ती जांचने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। भारत की शिमाली रियासतों में बारिश और रेलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाकयात में 22 अफराद हलाक। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी। स्कूल्स बंद। नई दिल्ली में 24 घंटों में बारिश के सबब 15 इमारतें गिर चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रियासत उत्तराखंड में अगले 3 रोज के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी। भारतीय महकमे मौसमियात की आज रियासत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में शदीद बारिशों की पेशगोई। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के बाद, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। गजल और नज़म के खूबसूरत शायर कतील शिफाई को मद्दाहों से बिछड़े आज 22 साल बीते।